गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल आज की वीडियो में 18 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आई एम एफ रिपोर्ट रिलीज इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वट इज द लाइकली ग्रोथ रेट ऑफ़ द इंडियन इकॉनमी इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव दो हजार चौबीस पच्चीस में इंडिया आ, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ आई एम एफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेवन पॉइंट जीरो परसेंट बताई गई है ठीक है ये फोरकास्ट जो है बढ़ाया गया है इससे पहले 6.8 परसेंट बोली गई थी आईएमएफ के द्वारा अभी 7 परसेंट आई ने बोला है कि इतना ग्रोथ रेट भारत की रहने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये ग्रोथ रेट 7.2 परसेंट प्रेडिक्ट की गई है नेक्स्ट यहाँ पर आई की बात कर लेते हैं फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक मल्टी इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में आई एम एफ प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस 189 एटी नाइन मेंसमें शामिल है हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डी सी यूएसए में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आई एम एफ बहुत सारे रिपोर्ट्स इशू करता है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिजिकल मॉनिटर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर इनागरेटेड द मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री तो ये मॉरिशस में इनके द्वारा मैत्री उद्यान को इनोग्रेट किया गया है फ्रेंडशिप के सिंबल के रूप में दो दिन की विजिट थी इनकी मॉरिशस में मॉरिशस की बात करें तो टू थर्ड्स ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन आर ऑफ़ इंडियन औरिजन्स इंडियन औरिजन वहाँ कैसे पहुँचे तो ब्रिटिशर्स जो थे वो शुगर केन प्लांटेशन के लिए इंडियंस को वहाँ पर लेकर गए थे इनमें से बहुत सारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं

इसे अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है यह है कौन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्होंने ये रिपोर्ट ऑन ई मोबिलिटी आर एंड डी रोड मैप फॉर इंडिया को लॉन्च किया है विद द एम ऑफ अचीविंग द नेट जीरो टारगेट चार एरियाज इस पर हैं चार एरियाज पर इसमें फोकस किया गया है एनर्जी स्टोरेज सेल्स ईवी असेंबलीज मटीरियल्स एंड रिसाइकलिंग भारत का टारगेट है दो हजार तीस तक फोर्टी फाइव परसेंट एमिशन को कट करना तो उसी टारगेट के पार्ट के रूप में इस रोड मैप को भी लॉन्च किया गया है हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर ऑन द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में पाँच परमानेंट मेंबर्स हैं और दस नॉन परमानेंट मेम्बर्स इसमें होते हैं जिनको हर दो साल के लिए चुना जाता है तो अभी पाकिस्तान सोमालिया पनामा डेनमार्क और ग्रीस ये पाँच कंट्री का चुनाव हुआ था जिनका टर्म जो है एक जनवरी दो हज़ार पच्चीस से शुरू होगा इकत्तीस दिसंबर दो हज़ार सत्ताईस तक दो सालों के लिए इनको चुना गया है ये किसे रिप्लेस करेंगे जापान माल्टा मोजाम्बिक इक्वाडोर और स्विट्ज़रलैंड ये नॉन परमानेंट मेंबर्स थे इनको अब रिप्लेस करके ये पांचों को इलेक्ट कर लिया गया है ऑलरेडी जो पांच हैं वो हैं अल्जीरिया गुयाना रिपब्लिक ऑफ कोरिया सियरा लियोन और स्लोवेनिया ये पाँच अदर नॉन परमानेंट मेम्बर्स हैं यू सिक्योरिटी काउंसिल के यहाँ देखें तो इंडिया आठ बार नॉन परमानेंट मेम्बर के रूप में इलेक्ट हुआ है नाइनटीन फिफ़्टी फिफ़्टी वन में फिर नाइन्टीन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट में सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री में 77, सेवन सेवेंटी एट में एटी फोर एटी फाइव में नाइन्टी वन नाइन्टी टू में दो हज़ार ग्यारह बारह में और दो हज़ार इक्कीस बाईस में भारत नॉन परमानेंट मेंबर यू एन सिक्योरिटी काउंसिल का रहा है यू एन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर फिफ्टीन मेंबर्स ऑन द यू एन एस सी इन फिफ्टीन मेंबर्स में से पाँच परमानेंट होते हैं जिन्हें पी फाइव के नाम से भी जानते हैं ये हैं यूनाइटेड किंगडम चाइना फ्रांस रशिया और यू एस और इनके अलावा दस मेंबर नॉन परमानेंट हैं ये जो पांच परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है ठीक है अब ये जो टेन नॉन परमानेंट सीट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड तीन सीट अफ्रीकन रीजन की हैं दो एशियन कंट्रीज़ के लिए है एक सीट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है दो सीट्स हैं फॉर लेटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन कंट्रीज़ और, कंट्रीज और बची हुई दो सीट्स वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज़ के लिए हैं ठीक है तो इस, तर, इस तरह रीजन वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं टेन नॉन परमानेंट सीट्स रोबर्टा मेटसोलाट दू पार्लियामेंट फॉर अ सेकेंड टर्म बिलोंग्स टू विच कंट्री ये माल्टा से बिलोंग करती हैं पहली महिला बनी है टू विन अ सेकेंड टर्म एज प्रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन पार्लियामेंट इज वन ऑफ द थ्री लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड वन ऑफ इट सेवन इंस्टीट्यूशन यूरोपियन यूनियन की बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मेस्ट्रिच ट्रिटी के अकॉर्डिंग उसके द्वारा क्रिएट किया गया था फोर्स में ये आई थी एक नवंबर नाइनटीन नाइनटी थ्री में मेस्ट्रिज ट्रीटी को क्रिएट करने का एम था एम था टू फर्दर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज बाय इस्टिशिंग अ कॉमन करेंसी यूरो अ यूनिफाइड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कॉमन सिटीजनशिप राइट्स यूरोपियन यूनियन में 720 ट्वेंटी मेबर यूरोपियन पार्लियामेंट हैं जिनके मेम्बर इलेक्ट किए जाते हैं बाई द पीपल ऑफ़ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट सिट्स एट लगजमबर्ग ब्रसल्स बेल्जियम एंड स्ट्रासबर्ग फ्रांस सत्ताईस कंट्रीज इसमें शामिल हैं और हेड क्वार्टर है ब्रसिल्स बेल्जियम में अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं फॉरेन सेक्रेटरी भारत के विक्रम मिश्री हैं इंडिया के एम्बेसिडर टू सूरी सुभाष प्रसाद गुप्ता हैं प्रिंसिपल एडवाइजर एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूब क्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन एफ के प्रेजिडेंट मैक्सिको के एलिसा डी एंडा मेड्राजो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो धीरेन्द्र ओझा चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट शील नागू नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं बी एन गंगाधर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टी वी रविचंद्रन नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर डिक्स डिक्सकूफ महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक चेयरमैन ऑफ द सीबी डी टी हैं रवि अग्रवाल इन बच्च स्टेट डिट पी एम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट ये स्टेट है महाराष्ट्र जहाँ पीएम मोदी के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन रखी गई है इंडिया के लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट की मुंबई में सोलह हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है यह थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट ठीक है थाने और बोरीवली के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगा इसके कारण विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स ट्वेंटी इसको होस्ट करेगा सऊदी अरबिया आई के आई के साथ मिलकर सऊदी अरबिया पहला ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स को 2025 में होस्ट करने वाला है 12 साल का एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच सऊदी अरबिया और आई के बीच आईओसी की बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग ओलंपिक वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजिंग द ओलंपिक गेम्स रेगुलरली वाइल सपोर्टिंग एफिलिएटेड मेंबर मेंइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में चेयरमैन है थॉमस बैच हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में वेयर वॉज द सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान हेल्थ ये इवेंट हुआ प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में अंडर द एजीज ऑफ डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस दिशा इस कैंपेन का एम क्या है टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स इस इवेंट के तहत हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल भी लॉन्च किया गया है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द री कॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं सुमन बेरी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं फुल टाइम मेम्बर्स में कोई चेंज नहीं किया गया फुल टाइम मेम्बर्स हैं इसके वी के सरस्वत प्रोफेसर रमेश चंद डॉक्टर वी के पॉल और आनंद वीरमणि ठीक है री कॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग जो है इसमें चार फुल टाइम मेम्बर्स हैं जो कि ये चारों हैं इसके अलावा पंद्रह यूनियन मिनिस्टर्स इसमें शामिल हैं एज़ इधर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज नीति आयोग की बात करें फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये एपिक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है प्रोसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज़ की प्लानिंग कमीशन है प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसका जीरोस्ट्रिक्शन आता है द कंट्री फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन हैज बीन ओपन इन विच स्टेट इसे उत्तराखंड में ओपन किया गया है ऑप्शन बी करेक्ट है कंट्री का पहला रोडोडेंड्रॉन पार्क है लोकेटेड इन विलेज दिस गार्डन हैज मुंसियाजी ऑफ फ्लावर्स इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑफ आर्बोरियम फ्लावर इट इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड एंड नेशनल ट्री ऑफ नेपाल एंड स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड ये सारी चीजें याद रखिएगा रोडोडेंड्रॉन फ्लावर हैज एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट त्रिपुरा असम वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा आंसर बताएगा कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड इनो पाठशाला ऐप आप, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सारी पी आपको वहीं मिलेंगी टेस्ट सीरीज़ आप अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा और भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी धीरे धीरे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिलहाल इस वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जय हिंद